अज का दिन है साढ़े वास्ते सोग का दिन भी है, पर जे एक होर दृष्टि तो देखा जाए तो यह दिन साढ़े लिए फखर ते माण वाली गल भी है। भाई परमजीत सिंह पंजवड़ अखीर नू दुश्मन की गोली नाल ही शहीद होया। लाहौर से जिथे साड़ी जिहड़ी अरदास है उहदे विच जदों शहादतां दा जिक्र हुंदा है वह शहादतां ज़्यादातर लाहौर की धरती ते होईआं, भावें बंद बंद कट्टे गए, भावें मावां दे गलां च बच्चों के टोटियां दे हार पाए गए, जां बड़ा खुश होया इतिहास दे विच लाहौर की धरती ते। लाहौर साड़ी पहली राजधानी, साडे राज दा जिहड़ा केंद्र बनिया, जिथे सिख राज दा झंडा झुलिया ते बड़ी शान नाल झुलिया। सो उस शहर दे विच उस थां दे उत्ते दुश्मन की गोली नाल शहीद होना इहदी बहुत वड्डी अहिमियत है। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच सुभाए मान गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैथों पहला जिन्हें भी बुलारे बोले ने उन्होंने भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की जिंदगी के बहुत सारे पक्षों बारे दस चुके, काफ़ी गल्लां साडे सामने आ चुकी हैं। बाकी जिंदगी यही जी है, एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं, एक कौम दे जंग की जिंदगी है। तो जंगा के इतिहास इन्ने अकहरे नहीं होंगे, वो तो युगों तक इतिहास लिखे जाते, बोले जाते, गाए जाते। सो ये गल्लां चलदियां रहणगियां। अज मैं इत्थे भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की जिहड़ी शहादत है वह साडे सिख इतिहास के प्रसंग चों रख के देखिए तो वह शहादत की है, वो अर्थ की, वह शहादत साडे वास्ते किस किस्म की चुनौती छड के गई है ता कि असी अगे साडे फर्ज की बनते। सो पहली गल तो यह कि अपन सारे ही इत्थे अज भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की याद में ही इकट्ठे होए हैं। तो जे दुनियावी तौर पर देखा जाए जो साडे रीत प्रचलित है तो यह शोक समागमी हुंदा है, क्योंकि जदों भी कोई शरीर सदा वास्ते संसार तो चलिया जाता है तो जिहड़े उहदे नेड़ले हुंदे ने जिन्हां दा उहदे नाल लगाव हुंदा है उन्हां च बराग पैदा होना, उदासी आउणी, यह सुभाविक है। ये मनुख दे विच इहो जिहियां जिहड़ियां अहसास न जां जज्बात न वो जरूरी है। सो इस दृष्टि तो देखा जाए तो जिहड़ा अज दा दिन है साडे वास्ते सोग दा दिन भी है, पर जे एक होर दृष्टि तो देखा जाए तो यह दिन साडे लई फखर ते माण वाली गल भी है। क्यों? जदों भाई परमजीत सिंह पंजवड़ ने यह राह चुनिया सी सिख कौम की आजादी के संघर्ष के विच बंदूक चा के लड़न का, यह तो तय ही सी कि किसी ना किसी दिन अंतम तौर पर शहादत हो जानी है, भावें जंग के मैदान च होवे जां किसी होर तरह हो। सो यह गल निश्चित सी कि शहादत हो जानी है, पर जिंदगी पता नहीं किहो जिहे दौर आ जाते हैं, कई बार बंदे चाहुंदियां होइयां भी उन्हां नूं शहादत नसीब नहीं हुंदी। बहुत जंगा दे विच देखे बंदियां नूं होर तरह की जिंदगी जिउणी पैंदी है ते काफ़ी संताप हंडाउणे पैंदे। सो इस पक्खों साडे लई संतुष्टि वाली ते फखर वाली गल है कि भाई परमजीत सिंह पंजवड़ अखीर नूं दुश्मन की गोली नाल ही शहीद होया। तो शहादत गुरु की बख्शिश है, आप सारे कहने हैं। सो इस पक्षों भाई परमजीत सिंह के सिर पर एक बख्शिश हुई है कि उन्होंने दुश्मन की गोली नसीब हुई। सो एक तो इस पक्षों फखर वाली तो अहम गल है, दूजी गल उहदी शहादत लाहौर की धरती पर हुई है, यदि बहुत बड़ी इतिहासक महत्ता है, क्योंकि लाहौर ही सी जिथों साडा शहादतों का अमल शहीदों के सरताज ने शुरू किया। लाहौर से जिथे साड़ी जिहड़ी अरदास है उहदे विच जदों शहादतों का जिक्र हुंदा है वह शहादतां ज़्यादातर लाहौर की धरती ते होई हैं, भावें बंद बंद कट्टे गए, भावें मावां दे गलां च बच्चों के टोटियां दे हार पाए गए, जां बड़ा खुश होया इतिहास दे विच लाहौर की धरती ते। सो वह धरती वैसे साडे वास्ते इतिहासक तौर पर बहुत मुबारक थां है,
बहुत थावां बहुत शहर है जिहड़े साडे वास्ते मुबारक है पवित्र है, पर जे राजसी तौर पर देखा जाए जो अहमियत साडे वास्ते लाहौर की है वो होर किसी शहर की नहीं, क्योंकि लाहौर साडी पहली राजधानी साडे राज दा जिहड़ा केंद्र बनिया जिथे सिख राज दा झंडा झुलिया ते बड़ी शान नाल झुलिया। सो उस शहर दे विच उस थां दे उत्ते दुश्मन की गोली नाल शहीद होना इहदी बहुत वड्डी अहमियत है। हुण इह जिहड़ी जंग हुंदी है इहदे विच जदों कोई कौम अपनी आजादी लई जूझ रही हुंदी है उदों उह इन्नी तकड़ी नहीं हुंदी कि उह दुश्मन नाल सीधे मत्थे लड़ सके। उत्थे लुकमी लड़ाई छापा मार लड़ाई जां जिहनूं गरीला युद्ध कहिंदे आ कि लुक छुप के दुश्मन ते हमला करो, हौली हौली उहनूं इन्ना कमज़ोर कर दिओ ते आपदे आप नूं इन्ना मजबूत कर लो कि अंतम तौर पर उहनूं जिहड़ा आखिरी हल्ले च उहनूं खत्म किया जाए। सो 18वीं सदी च साडी लड़ाई इस किस्म की सी, उदों सिंघ इह लड़ाई लड़दे सी जदों दुश्मन का जोर चढ़ जाता सी तां उहनां नूं जंग दे मैदान चों जाणा पैंदा सी इक जंगी दा पेच दे तौर पर। कोई बीकानेर चलिया जाता सी, कोई शिवालिक दीआं पहाड़ियां ते चलिया जाता सी, जंग दे दा पेच है जदों तुसीं अजे राज लई लड़ रहे हो। सो जदों पर तुहाडे हथ च राज आ गया उदों उस राज की राखी लई जिहड़ी तुसीं जंग लड़ोगे वह एक वक्री किस्म की होंदी है, जिहड़ी महाराज रणजीत सिंह की मौत तो बाद असीं मुदकी तो लैके फेरू शहर तो लैके सभरावां तो लैके चेलियां वाली तक यह जिहड़ियां जंगां लड़ियां ने वो एक वक्री किस्म दियां सी जिथे दो राज अपनियां फौजां सीधे मत्थे एक दूजे नाल लड़ रही हैं। सो वह जिहड़ी आखिरी जंग हुई चेलियां वाले दे मैदान दे विच जदों वह जंग हारी उस तों बाद हथियार सुटने पए, गुरीला युद्ध जदों लड़दे हाँ असी राज लैण लई उदों हथियार कदे भी नहीं सुट्टे जांदे, भावें तुसीं कुछ ना कर सको, तुसीं भविख वास्ते व्यौंत बना रहे हुंदे हो कि ये हथियार फिर चलणगे, ये फिर इकट्ठे होणगे, ये फिर वरते जाणगे, पर जदों राज नूं बचाउण वास्ते जिहड़ी आखिरी जंग है हार जांदे हो उत्थे होर कोई चारा नहीं हुंदा, दुश्मन दे अगे हथियार सुटने पैंदे। सो चेलियां वाली जंग दे मैदान दे विच जदों राजा शेर सिंह ने बड़े भरे मन नाल रोंदियां होया हथियार सुट्टे सी अंग्रेज़ां दे सामने, ते जिहड़े जिहड़े बंदे हथियार लाइन बना के आपदे हथियार सुट रहे सी वो सारे यारो यार रो रहे सी, उन्हां नूं पता सी कि इह साडे इक राज दा अंत हो जाणा इह साडे वास्ते किड्डी वड्डी उदासी जां इक घाटे वाली गल कह लईए मंदभागी गल होई है, पर उत्थे जोर कोई नहीं सी चलदा। सो उत्थे महाराजा शेर सिंह ने हथियार सुटते पर नाल अंग्रेज़ अफसरां नूं कहा कि क्योंकि हुण असीं लड़ नहीं सकते इस करके अज असीं हथियार सुट रहे हाँ, पर जिद्दां ही असीं फिर लड़न वाले होए असीं हथियार फिर चुकां। सो इतिहास च फिर कौम लड़न वाली होई जदों संत जरनैल सिंह ने कौम नूं दे विच चेतना जगाई, जज्बा जगाया ते जंग लई ललकारिया। उस मौके जदों सिख सिपाही चेलियां वाली की जंग के मैदान से हथियार सुट रहे सी तां नाल उन्हां दे मूहां चों एक गल निकल रही सी कि अज रणजीत मर गया, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह सिख कौम की खुद मुख्तियारी का आजादी का सोवरेंटी का प्रतीक सी। जदों दुश्मन दे अगे थोड़े हथियार सुटने पै जाण उत्थे थोड़ी ओह एक हिसाब नाल सवरेंटी जाती रही है, इस करके उन्होंने कहा कि अज रणजीत मर गया, पर इहदा मतलब यह नहीं सी कि मुड़के रणजीत कदी भी जिउंदा नहीं होगा, जदों कौम फिर लड़न वाली हो तो रणजीत सिंह फिर जिउंदा हो। सो जदों संत जरनैल सिंह ने जंग शुरू की तो वह महाराजा रणजीत सिंह अनेक शरीरां दे रूप दे विच जिउंदा होया, वो असीं इस धरती ते देखिया जिस किस्म की जंग लड़ी गई। सो इह जंग दे विच इह शायद पहली वार होया कि हजारां की गिनती विच अजिहे सिंघ सी, सिंघणियां सी, मावां सी, बजुर्ग सी जिन्हां दियां मृतक शरीर घरां नूं नहीं आ सकदा। इह कमीन की है, इस तरह के कमीने दुश्मन नाल साडा पहलां कदे वाह पिया नहीं सी वी उह मृतक शरीरां तों भी बदले लै रहा हो।
सो ये जिहड़ा परिवार है शहीद परमजीत सिंह पंजवट दा, वह इस दी एक सटीक उदाहरण है कि किसी भी अजे तक परिवार के मैंबर दी शहीद हो गए पर उन्हां दी मृतक देह घरे नहीं पहुंची। सो इस करके परमजीत सिंह पंजवट नूं किहड़ियां हालतां च लाहौर जाना पिया, तो अज साडी हालत यह है कि साडा कोई वतन नहीं, साडा कोई देश नहीं, जिहड़ा है असीं कई बार दुश्मन दे पिछे लग के उहदे प्रापे गंडे दे, साडा देश मान है, साडा देश ये है। मास्टर तारा सू ने एक गल कही सी एक मौके दे उत्ते, ये देश मेरा तां ही है जे इत्थे मेरा धर्म सुरक्षित है, धर्म तो बिना देश का साडे वास्ते कोई मतलब नहीं। सो ये मन लो कि असीं बेवतने हाँ, तो जिन्ना चिर असीं आपदा देश दोबारा नहीं लै लैंदे, असीं साडियां शहादतां इस तरह ही होणगियां, साडियां जिहड़ियां मृतक शरीर वह भी शायद उन्हां दे अंतम दर्शन नसीब ना होण, पर ये एक वक्ती दौर है, लंबा हो सकदा। अज तक कोई ताकत ही जम्मी नहीं, मुगलों ने जुल्म करके देख ले, अंग्रेजों ने जुल्म करके देख ले, इन ये भी चा ला लैन, नरसिम्हा राव ने देख लिया, बेअंत सिंह ने देख लिया, के पी एस गिल ने देख लिया, आ जिहड़े हुण आए ने नवें शलारू जे, ये भी जोर ला के देख लैन। ये तो तुसीं एक हिसाब जना ये देख लो कि जो घोड़ा मरदा हुंदा तां उह लत्तां बहुत मारदा है, वह जिहड़े मर रहे घोड़े दे दुलत्ते हुंदे उह बड़े खतरनाक हुंदे ने, क्योंकि पता ही नहीं तुसीं तां वेसले खड़े हो। सो ये मर रहे घोड़े दे आखिरी दुलत्ते समझ लो। परमजीत सिंह पंजवट की जी शहादत जिहो जी हालत हुई है, जिनी कमीनगी हुई है, वो ये है कि हुण इस राज की उम्र बहुती नहीं रही। सो इन्हां क विचारां प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।